हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशा, निशा फूडकास्ट में आप सबका स्वागत है। तो आज रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई लेकर आई हूँ, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से आप बनाओगे, बहुत ही किफ़ायती है। आप इसे महीने भर बाहर रख कर खा सकते हैं और बिल्कुल भी ये मिठाई ख़राब नहीं होगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी और इसे मुँह में रखते ही घुल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसे ज़रूर बनाइए। आप इसे अपने भाई बहन या फिर किसी भी रिलेटिव को गिफ्ट कर सकते हो, आपकी तारीफ ही मिलेगी, इतनी खुशबूदार ये मिठाइयाँ बनती हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो मैं सूजी का मिल्क केक बनाऊंगी। हाँ फ्रेंड्स, सूजी का बनाएंगे और वो भी इतना टेस्टी मिल्क केक कि कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये सूजी से बना हुआ है और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो यहाँ पर कढ़ाई रख दी है गैस पर और गैस में डाल दिया एक कटोरी देसी घी। आप इसे देसी घी में ही बनाइएगा, जो कि इसका स्वाद को चार चांद लगा देगा। जितना फ्रेंड्स यहाँ पे देसी घी लेना है, उतना ही लेना है सूजी। दोनों की क्वांटिटी बराबर होगी। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हो, ये करीब एक किलो करीब मिठाई बनकर रेडी होगी। और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो दो कटोरी सूजी के लिए दो कटोरी घी ले सकते हैं, या एक कटोरी घी एक कटोरी रिफाइंड भी ले सकते हैं, ये आपकी पसंद है। तो चलिए, सूजी को हमें इतना भूनना है, मतलब चार से पाँच मिनट में भूनना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। सूजी भूनते भूनते बिल्कुल दानेदार हो जाएगी और उसे हमें लाल नहीं करना है फ्रेंड्स, बस दानेदार करना और सूजी एकदम फ्लफ़ी हो जाती है। जब आप प्रेशर से चलाओगे ना तो वो उठ जाएगी। तो दूसरी साइड में रख देते हैं चाशनी बनाने को, क्योंकि फटाफट करना है काम, फटाफट बनानी है मिठाई, टाइम बचाना है। तो यहाँ पर देखिए, डेढ़ कटोरी मैंने यहाँ पर चीनी ली है। आप इक्वली चीनी ले सकते हो या फिर मतलब जो परफेक्ट मिल्क केक का मिठास होती है, तो जितनी सूजी है उससे आधा और ज़्यादा लेना है। मतलब एक कटोरी सूजी है तो हमें यहाँ पे डेढ़ कटोरी चाशनी बनानी है, और चाशनी के लिए यहाँ पर आधा मतलब पानी डालना है। तो अगर हम एक कटोरी चाशनी भी बना रहे हैं, एक कटोरी चीनी की, तो आधी कटोरी पानी लेना है। और डेढ़ कटोरी से हम बना रहे हैं तो एक कटोरी मैंने यहाँ पे पानी डाला है। और इसको हमें चिपचिपी चाशनी बनानी है, ना कि एक तार दो तार वाली। और आप सूजी को टेक्स्चर देखिए कितना फ्लफ़ी हो गया, बिल्कुल गैस लो करके ही इसको हमें भूनना है और वाइट कलर ही रखना है, इसका कलर डार्क अभी नहीं होने देना है। सूजी भूनते भूनते अच्छी स्मेल आने लगेगी और देखिए कितनी दानेदार लग रही है, घी रिलीज कर रही है, बहुत अच्छी लग रही है सूजी। तो चलिए साइड कर देते हैं उसे और गैस का फ्लेम बंद करके सूजी को थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और चाशनी को कर लेंगे दूसरे वाले गैस पर। और चाशनी को बस कुछ सेकेंड्स के लिए इसका बॉयल आने देंगे, जो इसका पानी का कच्चापन है बस वो ख़त्म हो जाए। चाशनी हमें चिपचिपी बनानी है, कोई तार वाली नहीं बनानी है, बस इस तरह से चला देना है कि चीनी अच्छे से घुल जाए पानी में, बस इस तरह से। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये बनती है मिठाई फ्रेंड्स, और बहुत टेस्टी लगती है। आप यकीन मानो बना के देखना, फिर आप तारीफ करते नहीं थकोगे। मेरी तारीफ ज़रूर करोगे कि ये मिठाई कितनी अच्छी बनी है। तो इस तरह से ज़रूर बनाइए और स्टोर करके रखिए, ये मिठाई ख़राब नहीं होगी। और ये देखिए, बातों बातों में चाशनी भी बनकर रेडी हो गई है। तो यहाँ पे इस तरह से चिपचिपी बनानी है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, चाशनी भी रख देंगे साइड में, और गैस का फ्लेम बंद कर देना है। चाशनी थोड़ी देर ठंडी होती है, तब तक हम भी रख देते हैं उसी गैस पे वापस कढ़ाई। अभी गैस ऑन नहीं करेंगे फ्रेंड्स, बस यहाँ पर बिल्कुल मावा जैसा टेक्स्चर देने के लिए हम मिल्क पाउडर डालेंगे। आप कोई भी डेयरी पाउडर डाल सकते हो, कोई भी मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हो। तो एक कटोरी सूजी के लिए एक कटोरी ही मिल्क पाउडर हमें डालना है। आप इसके जगह एक कटोरी मावा भी डाल सकते हो, खोआ भी डाल सकते हो। अगर मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते या नहीं है आपके पास, बस इसे डालने से बिल्कुल मावे जैसा टेक्स्चर आएगा, टेस्ट आएगा, जैसे आप हलवाई की दुकान से मिठाई लाते हो ना, मिल्क केक लाते हो, बिल्कुल वही स्वाद आएगा। सूजी का कोई स्वाद नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए, मिल्क पाउडर एक कटोरी डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। आधा चम्मच फ्रेश मैंने इलायची का पाउडर तैयार किया है वो डाला है, मतलब तुरंत का, जो तुरंत आप इलायची को पीस कर डालते हो ना, क्रश करके डालते हो, तो उसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है, स्मेल बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे देखिए, जो चाशनी है वो थोड़ी सी ठंडी हो गई है, एक मिनट हुआ है, और उसके बाद सारी चाशनी डाल लेंगे। अब यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं, जलने का या गिल्टी पड़ने का कोई टेंशन नहीं है। आराम से चाशनी डालिए और अच्छे से मिक्स कीजिए, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर कलर आएगा। तो गैस का फ्लेम हाई कर रहा है अभी,
जब इसमें थोड़ा सा खोल आ जाएगा ना, मतलब अच्छे से मिक्स होने लगेगा, यहीं पे बिल्कुल लो करके 3-4 मिनट तक अच्छे से पकाना है, जब तक सूजी एक डो की जैसे ना बनने लगे, मतलब बिल्कुल अच्छे से भूनना है। देखिए कलर आपको दिख रहा होगा कितना डिफरेंट होता जा रहा है, बिल्कुल मिल्क केक की जैसे ही इसका कलर हो जाएगा हल्का ब्राउन कलर का। तो ये देखिए कुछ मिनट बाद ये इस तरह से हो गया, करीब 6 से 7 मिनट लगे हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे, और एक प्लेट पे इस तरह से हमको डाल लेना है थोड़ा सा ये बैटर, और इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे या फिर हाथ में रोल करके देखेंगे, हाथ में ये चिपके ना और एकदम लड्डू जैसा बन जाए, मतलब चिपके ना, ये एक जगह इकट्ठा होने लगे, इतनी देर भूनना है। और आप कढ़ाई में देख सकते हो मिल्क केक जैसे दानेदार होता है, बिल्कुल वैसे ही दानेदार दिख रहा है। और ये देखिए ये अभी गर्म है, और इस तरह से आप जब रोल करोगे ना तो ये इकट्ठा हो जाएगा, बस इतनी देर तक हमें इसे पकाना था। इस तरह करके देख लीजिए, अगर ये तैयार है इस तरह से तो गैस का फ्लेम कर दीजिए बंद, और बिना रुके फ्रेंड्स इसे चलाते रहना है, क्योंकि इसे नीचे अभी कढ़ाई गर्म है तो नीचे ये लगे ना, इसलिए इसे भी थोड़ी देर के लिए हमें चलाना है 1 मिनट के लिए। 1 मिनट बाद कढ़ाई को नीचे उतार लिया है, गैस पहले ही बंद कर दिया था जब वो डो इकट्ठा सा होने लगा था। एक थाली में लगा लिया है घी, और घी अच्छे से लगा लेना है चारों तरफ से क्योंकि ये चिपके ना, और उस पर डाल देना ये गरम गरम बैटर जो मिल्क केक का तैयार हुआ है, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, लग रहा है कि बस मार्केट से मिल्क केक आ गया है, और इतनी बेहतरीन खुशबू है ये इलायची की और ये मिल्क केक की, बहुत अच्छी आती है जब देसी घी में ये बनता है। तो फ्रेंड्स इसे ज़रूर बनाइए, और ये आप जब तुरंत खाओगे इतना टेस्टी नहीं लगेगा, अगले दिन नेक्स्ट 10 से 12 घंटे बाद इसका टेस्चर हो इतना अच्छा लगता है कि बस आप मिठाई खाते जाओगे, मीठे से मन नहीं भरेगा, ये इतनी टेस्टी होगी। तो इस तरह से टैप कर देंगे जो ये उठा हुआ भाग है ना वो अच्छे से फैल जाएगा। अब इसको हम ढक देते थोड़ी देर के लिए किसी भी कॉटन के कपड़े से ढक के, जिससे कि इसका कलर भी बेहतरीन आएगा और कुछ देर के लिए ठंडा हो जाएगा, कुछ चीज़ छुएगा नहीं। मतलब फिर यहाँ पे देखिए हो गया 3 से 4 मिनट, अभी पूरी तरह से ये ठंडा नहीं हुआ है, मगर मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ किस तरह से इसको कट करना। अगर आपके पास बर्फ़ी जमाने वाली ट्रे है तो आप उसमें भी इसे जमा सकते हैं, और लंबा पतला चौकोर जैसा कट करना है वैसा कीजिए। तो मैं थोड़ा मिल्क शेक वाला कट करूँगी, और मैंने इसको थाली में फैलाया है तो ये इतना बिल्कुल मिल्क केक जैसे थिक होता है ना, मोटे मोटे से होते हैं वैसे नहीं होंगे, थोड़े से पतले हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी बर्फियों को काट लिया है, और ये कितना सॉफ्ट है आप देख सकते हैं, अभी ये 10 मिनट हुए हैं बस 10 मिनट, और ये देखिए इसका टेक्सचर। आप इसे आप दूसरे दिन भी खाएंगे, जिस दिन भी खाएंगे ये इसी तरह से सॉफ्ट बनी रहेगी और ख़राब बिल्कुल नहीं होगी। किसी भी कंटेनर में भरकर आप बाहर रख के 15 से महीने भर तक रख के खाइए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, और टेस्ट वैसे ही बेहतरीन बना होगा, और बहुत ही सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली मिठाई है। तो फ्रेंड्स ये सूजी मिल्क केक की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फ्रेंड्स फैमिली और सोशल मीडिया हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी रेसिपी को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।